नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। 7 दिनों में 7 मर्डर, पुलिसिया कार्यशैली पर उठ रहे सवालिया निशान। बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे छात्र की बदमाशों ने बेरहमी से गला काट कर की हत्या। इलाके में मचा कोहराम। भागलपुर में अपराध चरम पर है, आए दिन बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम पे अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर में 7 दिनों में 7 मर्डर, पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा करते दिख रही है। ताजा मामला कजरेली थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ अज्ञात अपराधियों ने बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे छात्र का बेरहमी से दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं मृतक युवक की पहचान सिमरिया बहादुरपुर निवासी भरत लाल सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक सिंह के रूप में हुई है। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि वह सुबह किसी काम से बाहर निकला था, तभी कुछ देर में ग्रामीणों के शोरगुल से उसकी मौत की खबर मिली। सूचना मिलते ही परिवार वाले घटना स्थल पर पहुंचे, जहां नाले के किनारे में उसे मृत पाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर कजरेली पुलिस मौके पर पहुंची की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल मृतक के हथियारों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की तहकीकात कर रही है। IFSL की टीम जांच में जुट गई है। दबे जुबान से कुछ लोगों का कहना है शायद प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, जिसके चलते इसकी जान गई है। वहीं मृतक की चाची ने कहा अभिषेक अपने रूम में छत के ऊपर सोया था, अचानक वह देर रात अपने घर से निकला। हम लोगों को लगा अब वह वापस लौटेगा, लेकिन सुबह पड़ोसियों से पता चला कि उसका कुछ अपराधियों द्वारा गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जब सुबह हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो अभिषेक की लाश नाले में पड़ा मिला। वहीं अभिषेक के चाचा ने कहा हम लोगों को कुछ भी पता नहीं, वह पढ़ने लिखने वाला लड़का था, लेकिन कैसे क्या हो गया कुछ कह नहीं सकता हूँ। हम लोगों को गांव वालों से पता चला, तब जाकर देखा तो उसकी लाश नाले में बुरी तरीके से छत बिछत स्थिति में पड़ा था।